नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। देवघर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने नियमित कार्यक्रम के तहत मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर पूजा की। मंदिर आने से पहले मंदिर प्रबंधन की तरफ से सुरक्षा के भुगतान इंतजाम किए गए। जब तक मुख्यमंत्री मंदिर परिसर में मौजूद, तब तक आम लोगों को मंदिर प्रवेश पर रोक लगा दी गई। मंदिर परिसर में भजनलाल शर्मा को देखकर श्रद्धालुओं ने जय जय राजस्थान का नारा लगाया। जय जय राजस्थान का नारे को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने रुक रुक कर लोगों का अभिवादन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना करने के बाद सीधे यात्रा में केकेएन स्टेडियम में आयोजित परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होंगे, जहां पर हुआ जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, जिसमें भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में जाकर भाजपा के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवघर। स्थान पर आया हूं, बैजनाथ धाम अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति पीठ है और इसके नाम में ही बहुत बड़ा जादू है। देवघर यानी देवताओं का घर। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं और भूमि को प्रणाम करते हुए बाबा भोलेनाथ, जो हम सब के ऊपर कृपा बनाए हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं इस झारखंड के लिए, झारखंड विकसित के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए हम सब लोगों ने जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ उस संकल्प को पूरा करेंगे और पूरे देश के अंदर सुख शांति, आपसी व्यवहार और उसके माध्यम से हमारा भारत देश दुनिया का सबसे मजबूत देश बने। जन कल्याण की योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलती रहे हैं और हमारा देश दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे विकसित देश बने। झारखंड हमारा सबसे विकसित राज्य बने, राजस्थान हमारा सबसे विकसित राज्य बने, ऐसी कल्पना की है और ईश्वर की कृपा और बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज मैं दर्शन करने आया हूं, निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है दर्शन करने का। मैं आप सभी को भी आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। नमस्कार।